इतनी बड़ी जीत हुई है ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद, उनके उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, एक डेढ़ साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है, दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा आज के आदेश के बाद। दिल्ली च सरकारी अफसरां ते चुनी हुई सरकार दा कंट्रोल रहेगा, ये फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि अधिकारां दी लड़ाई च केजरीवाल सरकार दी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार दा दायरा स्पष्ट कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस अते जमीन नु छड़ के उपराज्यपाल बाकी सारे मसलियां दे विच दिल्ली सरकार दी सलाह ते सहयोग नाल काम करनगे। सुप्रीम कोर्ट दे फैसले दे मुताबिक कानून बनाउण दा अधिकार केंद्र अते सूबे दोवां कोल है। केंद्र दा दखल ज्यादा नहीं होना चाहिदा। चुनी हुई सरकार दे कोल प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिदी है। अफसरां ते चुनी हुई सरकार दा कंट्रोल जरूरी है। अधिकारियों दी तैनाती अते तबादले दा हक सरकार कोल होना चाहिदा है। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार दी सलाह नाल ही काम करनगे। इस फैसले तो बाद अरविंद केजरीवाल बागो बाग ने ते दिल्ली वालियां दे नाल वड्डे वादे कर दित्ते ने। 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था, ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था। जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सबके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। इतनी बड़ी जीत हुई है ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद, उनके उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया, दिल्ली की जनता ने। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है, दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा आज के आदेश के बाद। बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दे विच पिटीशन दायर की गई सी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार है पर सरकार को अपने अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के हक नहीं ने, इसलिए अधिकारी गल नहीं सुनते। जिस से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई तो फैसला दिल्ली सरकार के हक च आया। आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल के दरमियान अधिकारों की लड़ाई 2015 दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची सी। हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 राज्यपाल के पक्ष फैसला सुनाया सी अते हुण दिल्ली सरकार की सुप्रीम जीत हुई है। फैसला आंदे ही तंग परेशान करने वाले अफसरों को केजरीवाल ने चेतावनी दे दी है। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, एक डेढ़ साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। संविधानिक बेंच ने जनवरी 5 दिन इस मसले पे सुनवाई की सी। 18 जनवरी नू फैसला सुरक्षित रखा गया सी ते 11 मई नू सुप्रीम कोर्ट ने अफसरां ते कंट्रोल दा अधिकार दिल्ली सरकार नू दे दित्ता है ते नाल ही उपराज्यपाल नू सलाह भी कि सरकार दी सलाह नाल काम करो।